नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। पिछले 24 घंटे में देश में 26,727 नए मामले आए सामने, 270 लोगों की हुई मौत। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 237 अंक टूटकर खुला। देश में अब तक लगे 89 करोड़ लोगों को वैक्सीन। देश में शुक्रवार को बदले जाएंगे बैंकिंग और पेंशन के नियम। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया, बनी हुई है टॉप पर। सोमवार से शुरू होंगे स्कूल, मनपा आयुक्त ने जारी किए आदेश। सीरो सर्वे के तहत मेडिकल की लैब में भेजे गए 750 नमूने, कोरोना की तीसरी लहर के तहत किया जा रहा सीरो सर्वे। डॉक्टर ने दोस्त के साथ ही की धोखाधड़ी, 25 लाख का लगाया चूना। कोयले की कीमतों में इजाफा, छोटी इकाइयों पर संकट गहराया, रोलिंग मिलों ने घटाया उत्पादन। कोरोना काल में भी ZP ने किया उत्कृष्ट कार्य, चुनावी सभा में केदार ने की सराहना। BCN न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।